हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल एंड इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक्चुअली में आप पढ़ते क्या हो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों को बहुत मन होता है और डेफिनेटली हाँ ये अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखो तो ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी इनोवेटिव है कम्पेयर टू तो अदर अदर प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं एंड इसमें एक थ्रिल भी होता है एक कूलनेस है इसमें तो लेट इसी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक्चुअली है क्या कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाएंगे या फिर अगर आप मैकेनिकल मैकेरिंग कर रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे जाके मास्टर्स करना है सो वॉट डू यू स्टडी इन ऑटोमोबिल इंजीनियरिंग आइए देखते हैं पहला है अगर आप गाड़ी देखेंगे ना तो इसमें सस्पेंशन और ब्रेकिंग सस्पेंशन और ब्रेकिंग का क्या मतलब है कि जब आप गड्ढों पे से जा रहे हो तो आपको जो है गड्ढा उतना नहीं पता चल रहा ये सब सस्पेंशन का पार्ट है और ब्रेकिंग रोकना तो ये जो आपको गाड़ी की ट्रांसपेरेंट uh, गाड़ी के पीछे दिख रहा है सब, ये सारे springs, ये सब सब सारे स्प्रिंग्स पूरा सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग का पार्ट है और इसके भी अगर हम डीप जाए कि ये जो सस्पेंशन ब्रेकिंग है इसमें कौन सा चैप्टर uh, है या कौन सा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली यूज होता है तो वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स थ्योरी ऑफ मशीन्स का ये मतलब होता है कि अगर हम मशीन के या कोई भी कॉम्पोनेट में एक चीज मूव करेंगे तो दूसरी चीज कैसे मूव होगी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीचे कर रहा हूं तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है मेरी उंगली ऐसे जुड़ी हुई है कि जब मैं इसको नीचे करता हूं तो इसके साथ ये वाले ये वाला पार्ट भी मूव करने लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं केवल इसको मूव करूं और ये ना मूव हो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना तो एक पार्ट के मूवमेंट से ये एक एग्जांपल है एक पार्ट के मूवमेंट से दूसरा पार्ट कैसे मूव करेगा दिस इज ऑल थ्योरी ऑफ मशीन एक पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी तब दूसरे पार्ट की क्या वेलोसिटी हो जाएगी दिस इज ऑल थ्योरी ऑफ मशीन्स तो अगर आपको पढ़ना है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आएगा और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आएगा नेक्स्ट आते हैं कि आपने सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग देख लिया गाड़ी रोक सकते हैं गाड़ी चल रही है बट उसका फ्यूल इंजेक्शन अगर आपको याद हो कि ना मारुति और जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं अगर आप इनकी पुरानी गाड़ी देखें दस पंद्रह साल पुरानी जैसे कि जेन थी उस वक्त उस वक्त की जो वैगन आर थी या उस वक्त की एस्टीम थी तो और उस वक्त की कोई भी और गाड़ी थी सेंट्रो वगैरह जो उस वक्त आ रही थी उनका जो एवरेज रहता था जो उनका एवरेज रहता था कि एक लीटर में वो कितने किलोमीटर चलेंगी वो तकरीबन दस बारह रहता था दस बारह और बड़ी गाड़ी होगी तो नौ ही रहेगा बट धीरे धीरे करते हुए नियरली अराउंड टू थाउजेंड सिक्सटीन एटीन और 2020 थाउजेंड ट्वेंटी तक यू नो एवरेजेस देने लग गई गाड़ी बीस बाईस का तो ये काफी बड़ा एक लीप है तो ये काफी रिसर्च हुई महिंद्रा में मारुति में उन्होंने अपनी टेक्निक्स लगा के जो है एफिशिएंसी को बढ़ाया बट एफिशिएंसी से पहले फ्यूल का इंजेक्शन की हमारे सिस्टम में या सिस्टम यानी कि हमारी गाड़ी में जो है फ्यूल कैसे आएगा फ्यूल कैसे आएगा तो ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं इनको बनाना इनको समझना इनको समझना प्लस पिस्टन पिस्टन पे कितना प्रेशर रहेगा टू स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक क्या होता होता है है फोर ये सब आप फ्यूल इंजेक्शन यानी कि थर्म अगर और डीप में जाएं तो सब्जेक्ट्स क्या होंगे सब्जेक्ट्स होंगे थर्मोडाइनेमिक्स और फ्लुइड डायनेमिक्स अगर आप ये दोनों समझते हो तो आप इस तरह के मशीन जहाँ पे फ्यूल यूज हो रहा है प्रेशर यूज हो रहा है हीट यूज हो रही है वहां पे काम कर सकते हैं तो सस्पेंशन ब्रेकिंग फ्यूल इंजेक्शन फिर फ्यूल इंजेक्शन का ये एक फोटोग्राफ दिखाने के लिए कि किस तरह से ये चलता है और किस तरह से फ्यूल नौजल, नौजल के थ्रू एक हाई प्रेशर पे आता है और कैसे स्पार्क्स होते हैं जो बर्न करते हैं और उस वजह से ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है जिस वजह से टायर आगे घूमता है और उस ट्रांसमिशन को वहाँ से वहाँ पहुंचाने के लिए जो सब्जेक्ट है वो है तरबो थ्योरी ऑफ मशीन्स आ, आ, आगे आते हैं कूलिंग सिस्टम ठीक है हमने एक तो बहुत हीटेड था हमारा जो सिस्टम था बहुत हीटेड था क्योंकि हमने बहुत हाई टेम्परेचर पे फ्यूल को जलाया तो हमें कूलिंग सिस्टम्स चाहिए तो गाड़ी में कूलिंग सिस्टम्स भी लगे होते हैं आप अगर साइलेंसर पे कभी पैर रख दोगे बाइक के तो जल जाएगा आपका पैर लेकिन अगर वो उसमें कूलिंग सिस्टम ना हो तो वो और ज्यादा हीट हो यहाँ तक कि आपकी सीट पे भी आए सीट पे भी आ जाएगा हीट तो लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड एयर कूल्ड बट इनको समझने के लिए दो चीजें हमें चाहिए अगेन सब्जेक्ट एच हीट एंड मास ट्रांसफर किस रेट पे हीट ट्रांसफर होती है फ्लुइडिक्स हमारा जो एयर है ऑयल है या लिक्विड है वो किस तरह फ्लो करेगा उसका पैटर्न क्या है और किस पैटर्न में फ्लो करने से ज्यादा हीट वो ऑब्जॉर्व कर सकता है और ज्यादा हीट वो ले जा सकता है फॉर एग्जाम्पल रेडिएटर्स में इसीलिए फिंस लगाए जाते हैं कि उनका एरिया बढ़ जाए और एरिया बढ़ने की वजह से वो ज्यादा हीट निकाल सकते हैं या ज्यादा चीजों को कूल uh, cool कर सकते हैं तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट Uh, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं आगे तो आपको गेयर्स ही बनानी है उसके मशीन के पार्ट्स ही बनाने है तो स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको uh, इसमें काम करना हो बट गेयर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो पार्ट है कंपनीज इसे बनाती हैं और इसको फिट करना असम्बली uh, लाइन पे ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है तो जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीन जैसे इनको कहेंगे लेथ मशीन्स और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सी एन सी लेथ है मतलब ऑटोमेटेड है ऑटोमेटिक है इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है चलाया जाता है इस मशीन को तो इसमें गेयरस का प्रोडक्शन और बाकी की मशीन के पार्ट्स का प्रोडक्शन तो इतनी कंपनीज हो जाती हैं जिसमें आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके काम कर सकते हैं ये मैंने आपको इसलिए फोटो दिखा रहा हूँ देखिए ये इतनी बड़ी बड़ा गेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं मे बी फॉर मिसाइल रॉकेट और मे बी फॉर एरोप्लेन एंड ये देखिए इन्होंने पूरे कमरे में ही गेयर का प्रोडक्शन गेयर का प्रोडक्शन एक कमरे में ही लगाया हुआ है सो अगेन ह्यूज आर अ पार्ट इसका इसका डिजाइन हो गया तो इसकी ये सब पार्ट है तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग जब आप ये सब सीख लेते हो फिर आता है डिजाइन डिजाइन क्या है अब आपको क्योंकि अब आप पेपर पे तो नहीं होता है अब हाथों से नहीं करेंगे बट आप देखिए ये कॉम्पोनेट तो ये कॉम्पोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ना कंप्यूटर से बने हुए तो ये कंप्यूटर से बनाने के लिए जो है कैड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग तो इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी एनएक्स जो है काफी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है या फिर कैटिया चलता है कैड कैम में और इसके अलावा सॉलिड वर्क चलता है अगर आपको ये बहुत अच्छे से एक भी चीज आ गई तो आप अकेले इसी के बेसिस पे डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं तो इसका जो थ्योरी का पार्ट है वो भी पढ़ाया जाता है जिसका सब्जेक्ट का नाम होता है डीओएम डिजाइन ऑफ मशीन पार्ट वन एंड पार्ट टू फिर कैट कैम आता है कि आप इन चीजों को बनाएं इन चीजों को बनाएं इनकी चीजों को डिजाइन करें और इसकी असेंबली करें इनको जोड़ के देखें और जोड़ने के बाद जो है ट्राई करें कि क्या कुछ बैठ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक एग्जाम्पल ले और भी ले लिया है हमने यहाँ पे सस्पेंशन डिजाइन किया है इसमें एंड इसमें सस्पेंशन के अलावा जो है आपको टायर भी दिख रहा है तो अगर कंपनीज हैं जैसे जेके टायर तो वो इस तरह के डिजाइनर्स लेंगी जो ये बना सकते हैं और केवल ये एक ड्राइंग नहीं है ये केवल एक आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं है इसमें काफी कैलकुलशन है कितनी थिकनेस होगी कितनी ब्रेथ होगी कितनी ग्रूविंग होगी किस तरह का मटेरियल रहेगा ये काफी इसमें जाता है इसके अंदर प्लस डिजाइन एंड थ्योरी मैंने आपको ये भी इसलिए यहाँ बना दिया है कि इंजिन भी डिजाइन होते हैं हर एक चीज डिजाइन होती है तो डिजाइन इंजीनियरिंग काफी बड़ा फील्ड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्लस काफी बड़ा फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ कंपनीज देख लेते हैं इंडिया के अंदर वन ऑफ दन ऑफ आई वु सेफ्टर आई टी काफी बड़ी कंपनी है फार्मा वगैरह अगर मैं हटा दूं केवल इंजीनियरिंग में आऊँ तो प्रोडक्शन काफी बड़ी कंपनी है और उनमें से ऑटोमोबाइल अपने में एक अच्छी खासे लोगों को एम्प्लॉय करती है बजाज हो गया महिंद्रा हो गया अशोक लीन हिंदुस्तान मोटर्स टाटा मारुति सुजुकी दे आर ऑल इंडियन कंपनीज जो ये सब कर रही हैं प्लस केवल ये, ये कंपनीज नहीं इनके सप्लायर्स ये हर एक चीज खुद नहीं बनाते हैं ये ज्यादातर असेंबली करते हैं या हो सकता है आर करते हो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो बट इनके साथ कई सप्लायर्स हैं अगर आपको उन सप्लायर्स का नाम हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं कंपनीज के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उसमें हमने सप्लायर्स के भी नाम बताए हैं तो आप उन सप्लायर्स को भी देख सकते हैं दिस इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव बिकॉज सप्लायर्स भी सेम काम करते हैं अगर आप दुनिया में देखें जापानीज कंपनीज देखें ये सब जापानीज कंपनीज हैं यहाँ पर तो ये सब जापानीज ने जो है नाइनटीन में जो है अमेरिकन मार्केट पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था बट उसके बाद जर्मन कंपनीज क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हाई हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं उनकी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटेड डिजाइनिंग बहुत अच्छी है तो आउडी हो गई मर्सिडीज़, फोक्स वागन ओपेल पोर्श ये सब बहुत अच्छी कंपनीज हैं So, uh, this was about automobile engineering. What do you all together? And to give you an idea before joining mechanical or automobile engineering or MTech in automobile engineering or in uh, design engineering, so that you know ki what, uh, where you stand and what you can do. Thank you very much and keep watching. Career cool. And also, do visit our portal. Bye. Thank you.